पिछले एक महीने से पूरे बेगूसराय में सिलसिलेवार ढंग से दर्जनों लोगों के साथ हत्या और गोली जैसी वारदात हुई है, इस पर क्या कहेंगे? बेगूसराय कलम की भूमि रही है, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि रही है, और इस तरह के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, वो बेगूसराय को बदनाम कर रहे हैं। और आज जो बेगूसराय का नाम देश दुनिया में दिनकर जी के चलते जाना जाता था, आज आप देख रहे हैं कि विगत दो हफ्ते से इंटरनेशनल मीडिया में शूट आउट के लिए जाना जाता है। तो ये तो बहुत दुखद है और लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज जो हम लोग आए हैं इस घटना पर, हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, सितेश जी के हम लोग हैं और पीछे में हमारी जो एक माता जी खड़ी हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं। आप देख सकते हैं हालात घर का, एक छोटा सा बच्चा है महज साल भर का, अभी अभी उनकी शादी हुई है 3 साल पहले, जिस दिन उनकी हत्या की गई उसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। जो तीज करती हैं महिलाएं, उसी दिन तीज का नहाय था, और घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति, पिताजी भी शारीरिक रूप से असक्षम है और एक भाई जो है मानसिक शारीरिक दोनों रूप से विकलांग है। निश्चित वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसका कोई किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, कारण केवल एक रहा कि वो फाइनेंस की कंपनी में सीजर का काम करते हैं। तो फाइनेंस की कंपनी में जो सीजिंग का काम करते हैं वो किसी अपराधी के घर भी चले जाना होता है सीज करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस हम यदि कोई सामान का कराते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, और यदि हम पैसा नहीं लौटाते हैं कंपनी को, तो इसका मतलब कि हम ये सोच लेते हैं कि हम इसको पचा लेंगे और कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो दबंग प्रवृत्ति का लोग होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का लोग होता है, और वैसे लोगों के यहाँ ही जाना होता है। अब इनकी हत्या होगी उसी क्रम में और कंपनी अब इनको मुआवजा देने से भाग रही है, जबकि हमारे लोग यहाँ के स्थानीय साथी जिलाध्यक्ष जी और लोग गए थे, अपने लेटर पैड पर लिखित रूप से भी दिया था कि हम 5 लाख रुपये देंगे, अब वो बहाने बना रही है, तो हम लोग उस पर भी दबाव बना रहे हैं। एक महीना होने को इस घटना को अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ, और बड़े हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि यह घटना बरौनी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। थाना के 100 मीटर दूरी पर यह घटना घटती है, सीसीटीवी फुटेज जारी हो गया, महीना दिन होने को है और अब तक कोई अपराधी चिन्हित नहीं किया गया। सर, इस पूरे मामले की भी तो